हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग जितने भी NPCIL के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी NPCIL प्लांट ऑपरेटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट तारापुर महाराष्ट्र के लिए प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए थे या बहुत सारे अदर पोस्ट थे उसके लिए अगर आप लोग अप्लाई किए हुए हैं तो उसका एग्ज़ाम डेट और पैटर्न के बारे में नोटिस आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा और आपका एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नोटिस को देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र साइड से ये वैकेंसी निकल के आई थी। और देखिए इस वैकेंसी में क्या नोटिस किया गया और इससे रिलेटेड क्या एग्ज़ाम डेट निकल सकता है सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। हो सकता है आप लोग ये नोटिस देखे होंगे बट इसमें मैं कुछ आपको अलग दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। देखिए इस नोटिस में मेनली आपको बताया क्या गया है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 29 जुलाई 2023 को ये नोटिस निकल के आया है और ये जो नोटिस है NPCIL तारापुर महाराष्ट्र से निकल के आई हुई है। और इसमें आप लोग यहां से देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्स ए मेल फीमेल, यहां पे फिर देख सकते हैं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग डेंटलिस्ट, यहां पे देख सकते हैं टेक्नीशियन मैकेनिक्स, उसके बाद और भी बहुत सारे जो भी आपके कैटेगरी टू प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर जितने भी पोस्ट थे सारे से रिलेटेड यहाँ पर नोटिस है। इस नोटिस में देखिए मेनली आपको बताया गया कि स्टेज वन जिसे हम लोग PT के नाम से जानते हैं एंड स्टेज टू एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल डे, ये दोनों एग्जाम आपको सिंगल डे होंगे और बीच में आपको 30 मिनट्स के ब्रेक गैप मिलेंगे। जैसे आपका मान लेते हैं कि 10 से 12 एक एग्ज़ाम हो गया या 10 से 1 एग्ज़ाम हो गए, तो इसके बीच में आपके जैसे 10 से 12 एग्ज़ाम हुए तो बीच में 30 मिनट का गैप मिलेगा, फिर आपके यहाँ पर 12:30 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एडवांस के। तो यहाँ पर देखिए आपको इस नोटिस में वही बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया, ड्यूरिंग द ब्रेक कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, द आंसर शीट ऑफ स्टेज टू एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्यूशन ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन स्टेज वन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। बोला गया जो भी स्टूडेंट जैसे आप लोग क्वालिफाई हो चुके हैं स्टेज वन, अगर आप लोग सेंटर से कहीं दूर चले जाते हैं, आप लोग किसी कारणवश टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको फिर से दोबारा अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग सेकेंड एडवांस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इवोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, जैसे कम नंबर आया या कुछ इस प्रकार, तो आप लोग पेपर को फिर से रीचेक करवा सकते हैं। यहाँ तक हो गए। फिर इसके साथ यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से फिर बताया गया, इफ़ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन स्टेज वन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली स्टेज टू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर स्टेज वन एग्जामिनेशन, द फॉलोइंग लाइन्स मैंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एट पॉइंट नंबर 10 सेलेक्शन प्रोसेस फॉर स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी टू ऑपरेटर एंड मेंटेनर एंड यहाँ पे जो भी पोस्ट थे सारे के दिया गया, कैंडिडेट टू अंडर टेक द प्रीलिम्स एंड एडवांस टेस्ट ऑन द सेम डे, प्रीलिम्स टेस्ट विल बी कैरिड आउट इन द मॉर्निंग सेशन एंड एडवांस टेस्ट फॉर कैरिंग स्क्रीन इन फॉर स्टेज टू बी कैरिड आउट इन द आफ्टरनून इवनिंग सेशन स्टैंड्स डिलीटेड। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि आपके जो प्रीलिम्स PT एग्जाम होंगे वो मॉर्निंग सेशन में होंगे और एडवांस जो टेस्ट होंगे वो आपके आफ्टरनून सेशन में होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपके साफ साफ बता दिया गया कि आपके जैसे NPCIL है वो दो स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, एक तो हो जाएगा PT एंड सेकेंड हो जाएगा एडवांस टेस्ट, ठीक है। तो PT अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आपके 30 मिनट का बीच में ब्रेक मिलेगा, फिर आपके 30 से 40 मिनट में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, फिर उसके साथ आप लोग एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताया गया कि इसका जो सिलेक्शन होगा एडवांस रिजल्ट के बेसिस पे होगा और इसमें साफ साफ आपको मेंशन कर दिया गया, इससे पता चलता है कि आपके जो तारापुर के एग्ज़ाम है वो अब बहुत ही अपडेट हो चुकी है, अब कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट आ सकता है, कॉल लेटर आ सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए और मैंने जितना पेड कोर्स में करवाया आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर करिए। इसके साथ साथ ही आपका सिलेक्शन भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।